हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, और रात को इतनी आंधी थी और सुबह देखो बिल्कुल हवा नहीं हुआ, क्योंकि बस ये मेरे ख्याल से मई जून का महीना ऐसा ही होता है, बहुत गंदा सा, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण भी थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और लाइट का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट रात को भाग गई थी, और बस ऐसा ही है। और अब नींद आ रही है, अब मैंने लंच जब मैं बना रही थी तभी मेरी आंखों में नींद आ रही थी कि थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, पर सो गई तो फिर इतना आलस आ जाएगा, कुछ और काम नहीं होगा, और वो गंदगी पड़ा रहना मेरे को अच्छे में, और मैंने आज ये डालना, अब इसमें गर्मी नहीं लगती, ऐसा टी शर्ट डालना मैंने, मतलब टॉप कह लो टी शर्ट कह लो, तो वो डालना है। और आज मैं जाऊँगी मार्केट में, और मार्केट में दो दिनों के बाद जाऊँगी और वहाँ से थोड़ी सी ख़रीदारी करके लाऊँगी, देखती हूँ क्या खरीदारी करके आऊँ, तो थोड़ी गर्मियों के चीज़ें लेके आऊँगी, तो देखती हूँ मिलती हूँ तो लेके आऊँगी, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और मार्केट तो हमारे यहाँ की अच्छी है, सब चीज़ मिल जाती है, जाती हूँ खाना खा के और जब जाऊँगी लेके आती हूँ, और अच्छी मिल गई तो आप लोगों को दिखाऊँगी भी, नहीं मिली तो फिर यार बस ऐसा ही, ठीक है ना। अब चलो मैं जल्दी में जाके ना खाना खा लेती हूँ, तो खाना मैंने खाया नहीं है। और साड़ी भी आप लोगों ने देखी है, सूट भी आप लोगों ने देखे है, और लहंगा ही नहीं पहना मैंने, और तो मेरे हिसाब से तो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आप मुझे बता देना, बताते नहीं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, गुस्सा बता देना चाहिए आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगेगी क्या। और गमलों में से निकल गया पानी, ठीक है, बाज़ार में खाया हमने ये पास्ता, जो कि बहुत मेहनत से बेचारा बना के लेके आ रहा है, और कितने अच्छे तरीके से देखो बेच रहा है, अपनी दुकान को कैसे कवर कर रखा है धूल मिट्टी से भी हर चीज़ से भी, तो मेहनत का तो इसे कहते हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई भी मिल जाए आप उससे दो चार चीज़ें ज़रूर खरीदें।